हे व्यूअर्स, दिस इज ज्ञानो निगम और आज हम लाए हैं एक ऐसे शख्सियत की कहानी जो रियल लाइफ हीरो है, जिन्होंने अपने सीए के संघर्ष के दौरान कभी चाय वाले बने तो कभी कंडक्टर और चौकीदार भी रहे और इन्होंने अपने 7 प्रयासों के बाद सीए बने। आज ये लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। आइए हम मिलते हैं मिस्टर मुकेश राजपूत से, उनकी कहानी जानने के लिए उनके ही शब्दों से उनकी जवानी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज आप ये समझ पाएंगे कोई व्यक्ति रातों रात अमीर नहीं बन सकता है, उसके लिए दिन रात एक मेहनत करनी पड़ती है। कोई व्यक्ति रातों रात ऊंचाइयों को नहीं छू सकता, इसलिए लंबा प्रयास लंबी मेहनत लगती है। दोस्तों, जब लगातार मैं जब 6 बार फेल हो गया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जो मैं पुरानी जिंदगी जी रहा था वो जिंदगी कई गुना बेहतर थी। क्योंकि कोई भी इंसान जब लगातार एक बार फेल होना, दो बार फेल होना, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठवीं बार जब फेल हो जाता है तो सच में इंसान का सब्र टूट जाता है। जब सब्र उसका टूट जाता है तो उसको ये लगने लगता है कि पुरानी जिंदगी कई गुना बेहतर थी, कहां हम यहां आ गए। लेकिन तभी की बात होगी, दसवीं की सीए की बात जब मैं सीए में लगातार 6 बार फेल हो गया तो यकीन मानना दोस्तों, मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। क्योंकि कोई भी इंसान कब तक इंतजार कर सकता है, पहली बार फेल हुआ चलो ठीक है कोई बात, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार में तो मैं लगातार गिरता जा रहा था और मुझे लगने लगा था कि अभी मेरे बस की बात नहीं है। और जब मैं जैसे तैसे मैंने छठवां एग्जाम दिया और छठवां अटेम्प्ट में फेल हो गया तब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि शायद अब मैं नहीं निकल पाऊंगा और इससे अच्छा तो मेरी बेहतर पुरानी जिंदगी कई गुना अच्छी थी, जो मैं अच्छे से जी रहा था, जहां किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन चूंकि मेरा परिवार, मेरा सब बिखर जाता अगर मैं कुछ नहीं कर पाता, तो मुझे अपने परिवार के लिए करना पड़ा। तो मैं जैसे तैसे छठी बार गिरने के बाद सातवीं बार खड़ा हुआ और मैंने उस समय एग्जाम देने की कोशिश की। और यकीन मानना, मैंने जितनी एनर्जी मेरे शरीर में थी वो सारी एनर्जी मैंने एकत्रित करके सातवीं बार मैंने झोंक दी और तभी मुझे सातवीं बार में सफलता मिली। और ये मेरे जीवन का सबसे रोमांचक पल था जब मुझे ये पता चला कि मैं एग्जाम सीए का एक पहला क्लास पास कर गया। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं मुंबई से घर अपने पिपरिया पहुंचा, तो जब पिपरिया पहुंचा तो चूंकि मेरा उद्देश्य था मुंबई से वापस आने का कि मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा और अपने आगे के सपने को पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि पढ़ाई लिखाई से मेरा भविष्य बन सकता है, पढ़ाई लिखाई से मैं अपने उन सपनों को पूरा कर सकता हूँ और पढ़ाई लिखाई से मुझे समाज में जगह और पहचान मिलेगी। इसी समाज में जगह और पहचान बनाने के लिए मैं मुंबई से भोपाल पिपरिया आ गया। जब पिपरिया पहुंचा तो जो पैसे मैं कमा कर लेकर आया था उससे मैंने सांडिया रोड में ही एक चाय पानी नाश्ते की दुकान खोल ली और बढ़िया काम करने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे वो दुकान बंद करना पड़ा क्योंकि मुझे लंबा घाटा लग गया। अब घाटा क्यों लगा, इसका जिक्र मैंने सीए पास द येलो स्टडी किताब में अच्छे से बताया है। जब घाटा बंद लगा और मुझे दुकान बंद करना पड़ा, दुकान बंद करने के बाद चूंकि मैंने बहुत से लोगों से कर्जा लिया था, लोन लिए थे, उधार लिए थे, तो कहीं ना कहीं वो लोग मुझसे अपना पैसा वापस मांगने के लिए डिमांड करते। और यकीन मानना, कई बार तो वो जिनसे मैंने उधार लिया था वो लोग मुझे रस्ते मिल जाते और मुझे मारते और पीटते। इन सब चीजों से परेशान और तंगहाल होकर एक दिन मैं अपनी माँ के पास पहुंचता और माँ से कहता हूँ कि माँ, मेरा सामान पैक कर दे, मुझे बाहर जाना है। माँ ने चिंता से मेरी ओर देखा कि कहाँ बाहर जाना है। मैंने कहा मैं भोपाल जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा भोपाल व्यक्त करोगे क्या, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन इस बार खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा, इस बार मैं कुछ ना कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा, यकीन करना आप। माँ चिंता से मेरी ओर देख रही थी लेकिन मेरे इस फैसले से बहुत खुश थी वो। और उसके बाद मेरी माँ ने एक बोरा लिया और बोरा लेने के बाद उन्होंने उसमें कुछ सामान इकट्ठा किया। सामान इकट्ठा करने के बाद वो बोरे को मुंह से बंद करके बोरा मेरी ओर सरका दिया और माँ की जो साड़ी होती है, पल्लू होता है, किनारा होता है, उसमें गठान बंधी थी, उस गठान को उन्होंने खोला और खोल के मुझे कुछ पैसे दिए और कहा
ये रख ले रास्ते में तेरे काम आएंगे। मैंने देखा वो 60 रुपए थे। मैंने अपनी माँ से कहा तू चिंता मत करना, देखना एक दिन यदि तेरे 60 रुपए है ना मैं 60 लाख बना के दिखाऊंगा, तू बिल्कुल भी चिंता मत करना और मुझ पर भरोसा रखना। इस प्रकार मैंने बोरा उठाया और चलने को तैयार हुआ। लेकिन जब मैं बोरा उठा के चलने को तैयार हुआ उससे पहले मैंने और मेरी माँ ने दोनों ने एक दूसरे को जी भर कर देखा। मुझे जिस अच्छी तरह याद है करीब 5 से 6 मिनट हमने देखा, क्योंकि मुझे पता था ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे। कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि मुझे इसलिए पता था कि अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं घर से निकल गया। जब मैं घर से निकला तो ठीक थोड़ा राइट हैंड पे एक टर्न आता है तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने मन ही मन कहा तो चिंता मत करना माँ, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुझे बड़ा नाज होगा और बड़ा गर्व होगा। ऐसा सोचते सोचते मैं बस स्टैंड तक आ गया और बस स्टैंड पर बस के इंतजार में लगा। मुझे अच्छी तरह याद है अगर आपको पुराने आज से 20 साल पीछे आप जाके देखेंगे तो पहले बस स्टैंड हुआ नहीं करते थे। भारत में बहुत गरीबी थी, बस जहां 4 लोग खड़े हो जाते थे वही बस स्टैंड बन जाता था। उसके बाद मैं बस का इंतजार करने लगा, ठीक पीछे से एक आवाज आती भैया, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा मेरे 2 छोटे भाई बहन खड़े थे। मैं अपने भाई बहनों से करीब 10 से 12 साल बड़ा था, यानी मेरे जो भाई बहन है वो 10 से 12 साल छोटे थे। तो मैंने देखा कि मेरे भाई बहन खड़े हैं, तो बहन ने कहा भैया ये माँ ने खाना दिया है आप रस्ते में से खा लेना, और हाँ अपना ध्यान रखना बाहर परदेश जा रहे हो हमें चिट्ठी लिखते रहना। हमारे समय मोबाइल नहीं चला करते थे, पोस्ट कार्ड और अंतरदेशी चला करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने कहा हाँ चिंता मत करना मैं चिट्ठी लिखूंगा। उसके बाद मेरे भाई बहनों ने मुझसे कहा कि देखो बाहर परदेश जा रहे हो अपना ध्यान रखना। दोस्तों मैं उनकी भाव को भाते चुनकर सच में मैं बहुत भावुक हो गया। मैं उसी क्षण रोड पर घुटनों के बल बैठ गया, भाई को यहां गले लगाया, बहन को यहां गले लगाया और बहुत जोर से दोनों को अपनी ओर खींचा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं बड़ा इंसान नहीं बन पाया तो मैं अपने भाई बहनों से कभी भी नहीं मुलाकात करूंगा ना मैं कभी मिलूंगा। इसलिए मैंने जोर से गले लगाया, बहुत जोर से उन्हें काफी देर तक करीब 7-8 तक चिपकाए रखा। उसके बाद बस आ गई। दोस्तों बस आई और मैं बस में चढ़ गया। बस में चढ़ते ही मैंने सामान को ठीक लॉफ्ट में रखा और लॉफ्ट में रखने के बाद सामान मैं खिड़की के पास पहुंच गया और उन्हें झांक कर देखने लगा। मैं देख रहा था मेरे भाई बहन मुझे देख रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे थे, हमारे बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। दोस्तों जब हम गरीबी की गरीबों से गुजरते हैं ना तो हमारे पास शब्द नहीं होते, बस आंखों में एक भाव होते हैं कि कैसे हम बड़ा आदमी बने, कैसे हम पढ़ लिख ऊंचाई को छुए। और यही सोच यही बात हम दोनों के बीच चल रही थी और हम भाई बहन आपस में एक दूसरे को देखे जा रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। बस चलने को तैयार हुई, मैंने देखता रहा, बस चलती गई मैंने देखता रहा, बस चलती गई मैं देखता रहा। दोस्तों मैंने तब तक देखता रहा जब तक मेरी आंखों से दिखाई देना बंद नहीं हुआ। ये मेरे जिंदगी का सबसे यादगार सफर रहा था। इसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा, मैं कभी थका नहीं, कभी रुका नहीं, बस चलता रहा और बस मुझे पिपरिया से होते हुए भोपाल में जहांगीराबाद में लाके मुझे बस ने यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों मैं यहीं पर सरस मील है, सरस मील अपना जहांगीराबाद के पास में सरस मील है, वहां पर मैंने चमड़ा पकाने का काम किया और वहीं पर मुझे चौकीदारी काम मिल गया। मैं चौकीदारी काम करने लगा और ठीक वो चौकीदारी काम कुछ दिन बाद में छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा इसको मैंने अपनी सीए पास दरियस्टी किताब में अच्छी तरह बताया। उसके बाद मैं एक दिन पेपर विज्ञापन निकला था हमारे यहाँ पर लोडिंग ऑटो ड्राइवर की आवश्यकता है, तो मुझे अच्छी तरह याद था कि मुझे 2-व्हीलर चलाना आता था, बिल्कुल स्कूटर की तरह होता था, मैंने कहा लोडिंग ऑटो चला लूंगा। तो ठीक मैं मारवाड़ी रोड पे एक कंपनी थी आरके वेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक थे स्वर्गीय वाटुमल वासवानी जी, मैं उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा सर मुझे लोडिंग ऑटो ड्राइविंग की नौकरी आप दे दीजिए, यकीन मानिए मैं आपका बहुत अच्छा काम करूंगा, आपका माल उठाऊंगा और नीचे रखूंगा, लोडिंग अनलोडिंग सारे काम करूंगा। मैंने इंटरव्यू दिया, डायरेक्टर को मेरे को दया आई और उन्होंने मुझे रख लिया। जब उन्होंने मुझे रख लिया तो वही रहने को एक मकान दे दिया, रंजन पैन कार्नर है आपने देखा होगा इब्राहिमपुरी में, ठीक उसके सामने मिनी कार्नर था, ऊपर रहने को उन्होंने मकान दे दिया, ऊपर मकान रहने को दे दिया। मैं वहीं रहने लगा और लोडिंग ऑटो चलाने का बढ़िया काम करने लगा, मंडी जाता, माल ढोने जाता, सारे काम करता। एक दिन की बात है क्योंकि जिंदगी में एक सपना था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यही कहा है कि इससे पहले कि आपके सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे।
मैं दिन रात सपन देखता था कि कैसे मैं बड़ा आदमी बनूं, कैसे क्या करूं, लेकिन चूंकि मुझे किसी ने बता दिया था कि पढ़ाई लिखाई वो रास्ता जिससे आप बड़े इंसान बन सकते हो, सारे सपने पूरे कर सकते हो, समाज में पहचान मिलेगी, लेकिन पढ़ाई करना क्या है, कैसे करना, ये कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन यदि आपके सपने हो तो कहीं ना कहीं आपको आपके सपने खींचते हैं। तो बस यही मैं सोचता रहा और एक दिन सेठ जी ने मुझसे कहा कि मुकेश ये पीएनएल और ये बैलेंस शीट आप सीए मनोज खरे सर को देखा रहो। तो मैं जब सीए मनोज खरे सर के ऑफिस में पहुंचा, उनका ऑफिस हमीदा रोड पर था, मैंने देखा एक व्यक्ति ठंडे से केबिन बैठा हुआ है, बाहर 15-20 लोग काम कर रहे हैं, और आखिर इस व्यक्ति ने सर क्या किया, सोने की अंगूठी पहने, चेन पहने। मेरे मन में जिज्ञासा जागी, डियर स्टूडेंट हमें हर स्टूडेंट के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई कि आखिर वो व्यक्ति ने सर क्या किया है। तो एक बाहर एक लड़का काम कर रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब कहले क्या है, मैंने कहा अंदर साहब बैठे वो क्या है, कहले अरे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सीए है। मैंने कहा अच्छा सीए बनते कैसे, कहले बहुत कठिन कोर्स है, पिछली बार हमारे ऑफिस से एक भी लड़का पास नहीं पाया, तरह तरह की नेगेटिव बात उसने मुझसे कही। लेकिन मुझे पता था जो मंजिल जितनी बड़ी होती है उसका सफर उतना ही कठिन होता है, या यूं कहें कि जीत जितनी शानदार, जिसका सफर जितना कठिन होता है जीत उतनी शानदार होती है। तो चूंकि मैं गरीब जरूर था लेकिन मुझे ये पता था कि अगर जिंदगी में ऊंचाइयों पे जाना है तो उसका सफर कठिन ही होगा, और वो तरह तरह की नेगेटिव बातें मुझसे करता रहा, कहले बहुत कठिन है, पास नहीं होते है, ऐसा है, इसमें बहुत सारी इंग्लिश है, तरह तरह की नेगेटिव बातें उसने मुझसे कही। लेकिन मैंने उसकी हर बात को पॉजिटिव लिया, और पॉजिटिव लेने के बाद चूंकि सफलता पाने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है, तो मेरे पास कोई गुरु नहीं था, तो मैंने कहा सर को ही गुरु बना लेता हूं। और सीए मनोज खरे सर का जो ऑफिस था उसमें चौखट थी, उस चौखट पे मैंने ऐसे मत्था टेका और स्वयं से वादा किया कि अब सीए बनकर ही मैं आपके चरण स्पर्श करने आऊंगा। दोस्तों जब हम वादा करते हैं ना तो खुद से क्यों वादे हमेशा याद होते हैं, क्यों दूसरों से क्यों वादे हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन जब खुद से वादे करते हमेशा वो याद दिलाते, हमेशा याद दिलाते। तो मैंने खुद से वादा कर लिया कि अब मैं सीए बनूंगा और आपके चरण स्पर्श करने आऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैंने यहां से सीए का सपना बना लिया।